नमस्कार, आज हम बनाएंगे दाल मुरादाबादी। ये मैंने एक कटोरी दाल अच्छे से धो ली है और अब हम इसे कुकर में डालेंगे। ये दो कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। मुरादाबादी दाल खाने में बहुत हल्की और टेस्टी लगती है। ये मुरादाबाद का फेमस नाश्ता है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें मक्खन डाल के, हरी चटनी, नींबू निचोड़ के सर्व किया जाता है और सबको खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसमें थोड़ा सा ये नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार और हल्का सा थोड़ा सा हींग डालूंगी। और अब हम इसको इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, इसको हम पकने रख देंगे, उबलने के लिए रख देंगे। वैसे तो मूंग की दाल एक सीटी में बन जाती है, लेकिन मुरादाबादी दाल पतली होती है और बिल्कुल घुटी भी होती है, इसलिए इसमें हम दो सीटी लगाएंगे। अब ये बन जाए तो उसके बाद इसमें कुकर में सीटी आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये दाल हमारी तैयार हो गई है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दाल गर्म होनी चाहिए जो इसमें मक्खन पिघल जाए। इसमें मैं हरी मिर्च बारीक कटा, प्याज और ये अदरक की जुलियंस। चाट मसाला थोड़ा सा, ये भुना मसाला है दाल में डालने का। ये चिली फ्लेक्स मैंने तल के और हाथ से क्रश कर लिया, ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जीरा, भुना जीरा। ये इसमें नींबू निचोड़ा, मक्खन। मक्खन का इसमें अलग ही टेस्ट आता है। अब ये दाल आपकी खाने के लिए तैयार है। चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन अब बरसात का मौसम है इसलिए हरा धनिया ठीक नहीं रहता। ये हरी चटनी है थोड़ी सी, ये डाल देती हूँ। फिर से अदरक की जूलेंस। अब दाल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।